हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉर स्मार्ट आंसर। सो गाइस, आज वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर यूपी डाक विभाग में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में, यूपी जीडीएससी भर्ती 2020 के बारे में। यहाँ पर देख सकते हो टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पर 3951 आपकी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कितना आपका कट ऑफ जा सकता है, कितने परसेंट वाले का यहाँ पर सिलेक्शन होगा उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कब तक इसकी मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए जिन्होंने फॉर्म फिल किया है इसके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर से इस वीडियो को देख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो चलिए आज के वीडियो गाइस शुरू करते हैं। सो गाइज, अगर कट ऑफ की बात करें तो देखो काफ़ी हद तक उस पर डिपेंड करता है कि कितने परसेंटेज वाले ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है, ठीक है। अगर मान लो कि 90% वाले स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर थोड़ा सा हाई तो रहने वाला है, ठीक है। अगर वही मान लो कि यहाँ पर 80% वाले ऐसे स्टूडेंट हैं कि ज़्यादा यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं 80% वाले, तो कट ऑफ आपकी थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो परसेंटेज जितना ज़्यादा वाले यहाँ पर परसेंटेज वाले यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे उतनी कट ऑफ यहाँ पर हाई होने वाली है। तो हम लोग यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि इससे अगर अगर पीछे वाले कट ऑफ की देखा जाए कि मानो कि यूआर ओबीसी और एसटीसी की कितनी कट ऑफ रहेगी, अगर इस साल की बात करें कितने परसेंट वाले यहाँ पर पास होंगे, तो मैंने यहाँ पर सोचा जो आपकी मुंबई और बिहार की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, उसमें क्या कट ऑफ रहा था, उसमें कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर भी कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ओबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पर देख लो ओबीसी की 93% वाले का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर मेंशन है। वहीं अगर यूआर की बात कर ले, नीचे देख सकते हो यूआर है, तो यूआर की बात करें तो 93 वाले के यहाँ पर सिलेक्शन लिया गया है, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले के 94 पर सिलेक्शन लिया गया है 93 पे, ठीक है। और वहीं अगर यूआर की बात करें तो यहाँ पर देखो यूआर की भी मेंशन है 92 वाले का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे यहाँ पर ओबीसी की भी देख सकते हो, तो ऐसे करके बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें यूआर और ओबीसी की यहाँ पर कट ऑफ दी गई है, तो जो परसेंटेज दिया गया, तो मैंने यहाँ पर पूरी लिस्ट देखी है। देखो ओबीसी को देख लो यहाँ पर 95% चाहिए और यहाँ पर देख लो यूआर की 94 वाले का सिलेक्शन। तो इससे आपको यहाँ पर ज्यादा घबराना नहीं है, देखो डर जाओ, बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कम परसेंटेज लोग फॉर्म फिल सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, कट ऑफ कम भी जा सकती है अगर यहाँ पर कम परसेंटेज वाले फॉर्म फिल करते हैं। तो अब बात करें कि रेंज की, कि क्या रेंज होगा इस साल की, अगर बात करें यूपी जीडीएससी की बात करें तो यहाँ पर क्या यहाँ पर होने वाला है, तो देखो 85% से लेकर 95% के बीच इनके भी मार्क्स हैं वो यहाँ पर सेफ हैं, ठीक है। 90% यहाँ पर उनके चांसेस है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे, मेरिट लिस्ट में उनका नाम रहेगा, सेफ 85% से लेकर 95% के बीच में है, तो ठीक है। ओबीसी के लिए मैं सेम बोलूंगा, देखो ओबीसी और यूआर की पास पास ही थी परसेंटेज, आप देखो उसमें मैंने दिखाया तो पास पास ही थी, तो ओबीसी और यूआर के लिए सेम ही रहेगा, 85% से लेकर 95% के बीच में यहाँ पर कट ऑफ वेरी करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीडब्ल्यूडी के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हो पीडब्ल्यूडी के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर कैटेगरी में मेंशन है, देखो यहाँ पर 82 वाले का सिलेक्शन लिया गया है, 86 वाले का सिलेक्शन लिया गया है, तो ऐसे लिस्ट बहुत सारे हैं जिसमें कि यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है। तो अगर इसके बेसिस पे बात करें कितना कट ऑफ रहेगा पीडब्ल्यूडी की, सो अगर बात करेगा इसकी पीडब्ल्यूडी की क्या कट ऑफ रहेगी अगर यहाँ पर एनालिसिस देखा जाए उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप मान के चलो 75 से लेकर 85 के बीच आपका यहाँ पर सेफ होने वाला है, जितने भी जिसके भी इतने स्कोर है वो यहाँ पर मान के चले कि वो यहाँ पर सेफ जोन में है, ठीक है। अगर वहीं अगर नेक्स्ट बात करें एससी और एसटी की, उसी के बेसिस पे जैसे कि मैंने आपको रिजल्ट दिखाया, तो वहाँ पर कितने परसेंटेज वाले का सिलेक्शन है तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एससी और एसटी का देख लिया है, तो मैं इसके बेसिस पे एनालिसिस करने वाला हूँ। तो मान के चलो जिसके भी 80+ है यहाँ पर, 80% से ज़्यादा जिनके भी, उनके चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर क्वालिफाई करने के, 90% चांसेस है कि वो क्वालिफाई कर जाएँ, ठीक है। अगर 100% की बात करें तो अगर आपकी 85+ है तो आप बिल्कुल यहाँ पर मान के चलो कि आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम आपको सिलेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कैटेगरीज वाइज मैंने यहाँ पर कट ऑफ बता दिया है एक एक की क्या कट ऑफ होगी। और अगर बात करें यहाँ पर कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपका कब तक आएगा, तो यहाँ पर देखो लॉकडाउन का यहाँ पर टाइम चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर थोड़ी सी तो लेट होगी ही होगी, ठीक है। अगर मुंबई की बात करें, मुंबई में जो वैकेंसी आई थी कितने दिनों में आई था, तो 2 महीना की टाइम लगा था, उसके बाद वहाँ पर रिलीज कर दी गई थी फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो आप मान के चलो एंड ऑफ जुलाई आपकी यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी।
और वहीं अगर बात कर ले नेक्स्ट, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो कंप्यूटर वाला सर्टिफिकेट था, अगर वो नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप से, क्या सिलेक्शन होगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास यहाँ पर नहीं होगा सर्टिफिकेट तो कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी मेंशन। और अगर आप मान लो कि सिलेक्शन आपका हो जाता है, देखो मेंशन था यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में जो मेंशन था वो ये मेंशन था कि अगर आपके पास लास्ट डेट से पहले, ठीक है, जैसे कि आपका फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट है उससे पहले अगर आपका यहाँ पर जो कंप्यूटर वाला सर्टिफिकेट है वो अगर नहीं इश्यू है तो आपका वो वैलिड नहीं होगा, ऐसा कुछ मेंशन किया गया था। तो अभी तक ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि आपको टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो उम्मीद कम है, चांसेस कम है कि वहाँ पर टाइम दिया जाए। लेकिन अगर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको एक बार जरूर से यहाँ पर जाना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो ये है पूरी वीडियो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा, और सभी कुछ मैंने डिटेल में बता दिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो वो जो भी आपका क्वेश्चन हो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।